गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, टेक आउट योर रेसिस्टिव बुक नोटबुक एंड पेंसिल बॉक्स विद यू। यस्टरडे वी वर रीडिंग चैप्टर 20 आवर हेरिटेज। टुडे इन दिस चैप्टर टुडे आवर टॉपिक इज क्लासिकल म्यूजिक एंड क्लासिकल डांस। फर्स्ट वी विल सी क्लासिकल म्यूजिक एंड क्लासिकल, वी विल सी द टॉपिक क्लासिकल म्यूजिक एंड क्लासिकल डांस। ओके, बट बिफोर दिस फर्स्ट वी विल रिकॉल द चैप्टर। I told you there are two type of heritage. India is very rich in heritage, okay? And there are two types of heritage: natural heritage and social heritage. Natural heritage are God-gifted. The natural heritage examples are mountain, river, valley, soil, minerals, wildlife, forest, and so on. And social heritage examples are languages, costumes, customs, rituals, festivals, monuments, paintings, and so on. Understand? So let's start our chapter. Today our topic is classical music and classical dance. Understand? Open book, page number 101. मैं इसको read करती हूँ और साथ में आपको explain भी करती हूँ. So your duty is read this chapter from बुक एट होम। आपकी ड्यूटी है, आपका वर्क है कि आप इसको घर पे रीड करेंगे। अंडरस्टैंड? मैं मेन मेन लाइंस पढ़ के बस आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्लासिकल म्यूजिक इज डिफरेंट फ्रॉम फोक म्यूजिक। फोक म्यूजिक रिफ्लेक्ट द लाइफ स्टाइल ऑफ कॉमन मैन। ओके, जो हम सब कर सकते हैं अपने फोक म्यूजिक, फोक डांस हम सब अपने घरों में, शादियों में, त्योहारों पर करते हैं। ओके, फोक डांस, फोक म्यूजिक। फोक डांस एग्जाम्पल्स आर इन पंजाब भांगड़ा, गिद्धा, गुजरात गरबा, ओके, बिहू इन आसाम। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। क्लासिक इन इंडिया क्लासिकल म्यूजिक आर टू टाइप, हिंदुस्तानी एंड कर्नाटकी। ओके, द स्पेशल फीचर्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इज दैट बोथ द स्टाइल मेक यूज ऑफ राग एंड तास। ओके, देयर आर पर्टिकुलर राग फॉर ईच टाइम ऑफ द डे एंड सीजन। So here are given some instrument, musical instrument: flute, veena, sitar, tabla, dholak, shehnai, sarod. Okay, the classical dance of India are mostly related to religion and begins as form of worship. Okay, turn the page. Here are given some classical dance with pictures. See here, and state name also: Bharatnatyam, famous classical dance. Which state? Here are given state name. Tell me, Tamil Nadu. Bharatnatyam in Tamil Nadu. Second, Kathak. Kathak in Uttar Pradesh. Kathak is very famous classical dance of Uttar Pradesh. Kathakali, Kerala. In Kathakali, dancers put masks on their faces. Okay. Kuchipudi, Andhra Pradesh. Manipuri, Manipur. Odissi, Odisha. Okay, on which dancers would put face masks on their face? Yes, I told you. See here, Kathakali. Okay, next is games. Chess, the Chaturghan, popular known as chess in ancient India game. Chess, जो भी हम chess खेलते हैं, इसका प्राचीन समय में इसका नाम था चतुर्घन। ओके, ये बहुत पुराना गेम है भारत। आपने महाभारत में देखा होगा, चेस की तरह से वो चौपड़ जैसा कुछ खेला था उन्होंने शकुनी के साथ पांडवों ने। ओके, खो खो एंड कबड्डी आर ऑल्सो पॉपुलर ट्रेडिशनल गेम। ओके, सम मोर गेम्स आर गुलक कार्ट रेस इन रूरल एरियाज। गांव में क्या होता है, गुलक कार्ट की रेस करते हैं। कैमल रेस इन राजस्थान एंड बोट रेस इन बैक वाटर रीजन्स। द स्नेक बोट रेस ड्यूरिंग ओनम फेस्टिवल इन केरला डिलाइट द व्यूअर्स। एंड ओनम इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेस्टिवल, फर्स्ट नेशनल फेस्टिवल एंड रिलीजियस फेस्टिवल, एंड सम आर हार्वेस्ट फेस्टिवल लाइक ओनम एंड बिहू। ओनम एंड बिहू आर एग्जाम्पल ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल। ओके, see here, this is the picture of snake boat race. It is in Kerala, very famous.
snake boat was. Next topic is religions. In India, we see a variety of religion. In India, we found a variety of religion. भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं. अलग अलग धर्मों के हम लोगों को देख सकते हैं. एंड हियर आर सिंबल्स ऑफ सम रिलीजन्स. यहाँ पे कुछ रिलीजन्स के सिंबल्स बने हुए हैं. ओके, लाइक हिंदुइज्म, ओम, क्रिश्चियनिटी, क्रॉस, स्टार एंड मून फॉर इस्लाम. ओके, सो इन इंडिया वी सी डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजन. हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ओके, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सो ऑन. बट द मेन टॉपिक इज ऑल द रिलीजन टीचर्स नॉट टू स्टील. सभी धर्मों का मुख्य जो सभी धर्मों को क्या सिखाते हैं कि नॉट टू स्टील, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, अहिंसा के मार्ग पर चलो, हिंसा मत करो. सभी धर्मों का मूल यही है. चाहे हम हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, हम किसी भी धर्म के हों, लेकिन सभी धर्म हमको यही सिखाते हैं, गॉड इज ओनली वन, भगवान एक है. ओके, एंड ऑल द रिलीजन टीचर्स नॉट टू स्टील, डोंट नॉट टू हार्म अदर्स, डोंट टेल लाई. अंडरस्टैंड? नाउ टर्न द पेज. नेक्स्ट इज आर फेस्टिवल. आई टोल्ड यू देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेस्टिवल, मेन टू टाइप्स ऑफ फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल एंड रिलीजियस फेस्टिवल. इन वी लिव इन इंडिया एंड वी आर इंडियन, एंड देयर आर थ्री मेन नेशनल फेस्टिवल, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती एंड रिपब्लिक डे. We celebrate Independence Day on 15th August, we celebrate Republic Day on 26th January, and we celebrate Gandhi Jayanti on 2nd October. Understand? And some religious festivals are Holi, Diwali, Christmas, Dashera, Guru Parva, and Harvest Festival, examples of Onam and Bihu. Understand? Now the next topic is painting. Okay, Alora, some of the finest paintings are found in Ajanta and Alora. आप अजंता अलोरा के अगर कोई आप कोई घूमने गया होगा तो देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारी जो वॉल पे पेंटिंग्स की गई है. इट इज़ वेरी फेमस नॉट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड. अंडरस्टैंड? मेनी किंग्स वर फॉन्ड ऑफ पेंटिंग्स. दे इंकरेज आर्टिस्ट टू रिप्रेजेंट थ्रू पेंटिंग्स देयर हंटिंग हैबिट्स. प्राचीन समय में क्या होता था, एंशियंट समय जो राजा होते थे वो कलाकारों से, आर्टिस्ट को बोलते थे कि आप पेंटिंग्स करो वॉल पर, किसकी, उनके बारे में, उनकी प्रशंसा करो थ्रो पेंटिंग. लाइक वो कैसे हंट करते हैं, कैसे प्रे करते हैं, कैसे वॉर करते हैं, वॉर एंड बैटल्स. ओके, लैंडस्केप्स, स्पोर्ट्स सीन्स एंड इवेंट विच इंस्पायर्ड देम मोस्ट. ओके, कुछ स्पेशल इवेंट्स. अंडरस्टैंड? टर्न द पेज. आर्किटेक्चर. Among the earliest monuments of architecture are the pillars having messages of great emperor Ashoka. Ashoka was a very famous king in India. आपको पता है ना, अशोक एक बहुत प्रसिद्ध राजा था भारत का. Other earlier monuments are Buddhist stoop. A stoop is a large mound having a sacred objects inside. One of the best preserved early stoop is in the Sachi stoop. It is related to Bodhism. और ये कहाँ पे है, सांची का स्तूप. ये बहुत फेमस स्तूप है ऑल ओवर द वर्ल्ड. इट इज़ इन सॉरी हाँ यस इट इज एंड इट इज़ रिलेटेड टू बुद्धिज्म. ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है. अंडरस्टैंड? सी हियर द पिक्चर ऑफ कोणार्क टेम्पल. दिस टेम्पल इज रिलेटेड टू सन गॉड. ये सन गॉड से है. एंड मीनाक्षी टेम्पल इन मदुरई. इट इज़ ऑल्सो वेरी फेमस फॉर इट्स आर्किटेक्चर. And this is the picture of Ellora Temple. Ellora Temple, it is very unique. It is the Kailash Temple of Ellora. Sorry, this is the picture of Kailash Temple. It is in Ellora, and it is very unique example of architecture because it was carved out of a single rock. एक सिंगल रॉक को कट करके ये बनाया गया है. आप सोच सकते हैं कि आज हमारे पास एट प्रेजेंट टाइम वी हैव सो मेनी फैसिलिटीज टू मे. आप देखते होंगे कि बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स बने, इसके बनाने के लिए बहुत सारी
फैसिलिटीज़ है हमारे पास, ओके। बट इन एंशियंट टाइम आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि प्राचीन समय में जब उनके पास कोई बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, तो उन लोगों ने एक सिंगल रॉक समझते, एक ही पत्थर को काट कर तराश कर इतना सुंदर मंदिर बनाया गया है, ओके। कैलाश टेम्पल, इट इज़ इन एलोरा। दिस इज़ अ सिंगल कट, द सिंगल रॉक, इसीलिए बहुत फेमस है कि एक सिंगल रॉक को कटिंग करके ये इतना बड़ा टेम्पल बनाया गया है। अंडरस्टैंड, यू कांट इमेजिन, आप कैसे, हम लोग इमेजिन कर ही नहीं सकते कि उस समय के लोगों ने कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स, इतने बड़े बड़े गवर्नमेंट्स विदाउट एनी फैसिलिटीज़ के कैसे बना लिया। एट कंपेयर ऑफ एट प्रेजेंट टाइम, अभी की तुलना में कर रही हूँ, ओके। नेक्स्ट एंड सम अदर आर्किटेक्चर एग्जाम्पल इज कुतुब मीनार, इट इज़ इन दिल्ली। रेड फोर्ट, मैंने आपको बताया था पहले की क्लास में, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, गोल गुम्बज इन बीजापुर, एंड गोल गुम्बज इन बीजापुर इज़ अ यूनिक डोम इन द वर्ल्ड, ओके। द जामा मस्जिद, हुमायूं टॉम्ब ऑफ दिल्ली, ताजमहल ऑफ आगरा, फोर्ट्स ऑफ दिल्ली, आगरा, ग्वालियर एंड चित्तौड़गढ़ आर मार्वल्स ऑफ आर्किटेक्चर, ये सब फेमस एग्जाम्पल्स हैं आर्किटेक्चर के। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट पेज नंबर 105। व्हेन यूरोपियंस केम इन इंडिया, जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने भी बहुत सारी बिल्डिंग्स का निर्माण किया। सीरियल, द यूरोपियन ब्रॉट विद देम न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, और वो अपने साथ एक न्यू स्टाइल लाए। दे बिल्ट अ नंबर ऑफ चर्च एंड अदर बिल्डिंग्स। द ब्रिटिश ऑल्सो कंस्ट्रक्ट मेनी बिल्डिंग्स लाइक विक्टोरिया मेमोरियल इन कैलकाता, इट इज़ वेरी फेमस बिल्डिंग, इट इज़ इन कैलकाता, ओके। गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई, राष्ट्रपति भवन ऑफ न्यू दिल्ली आर अमंग देम, ओके। एंड यूरोपियंस डिज़ाइन न्यू दिल्ली ऑल्सो, उन्होंने न्यू दिल्ली भी डिज़ाइन किया था, हर्बर्ट बेकर एंड ल्यूटेनस, ये दो लोग थे, हर्बर्ट बेकर एंड एडवर्ड ल्यूटेनस, इन दोनों ने न्यू दिल्ली को डिज़ाइन किया था और पार्लियामेंट। आर्किटेक्चर हैज प्रोग्रेस अ लॉट आफ्टर इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी है, सच एज लोटस टेम्पल, अक्षरधाम मंदिर, ओके, विधानसभा ऑफ बेंगलोरी, दीज आर वेरी फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ आर्किटेक्चर डिज़ाइन। अंडरस्टैंड, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, एंड इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट द सोशल हेरिटेज, वी हैव लर्न सोशल हेरिटेज, हम लोगों ने सोशल हेरिटेज के बारे में पढ़ा। योर होमवर्क इज रीड चैप्टर 2 times, एंड हियर आर गिवन सो मेनी पिक्चर्स विथ स्टेट एंड सो मेनी मॉन्यूमेंट्स पिक्चर्स, सो प्लीज लर्न द नेम, 4 dance names विथ द स्टेट, क्लासिकल डांस विथ द स्टेट एंड आर्किटेक्चर मॉन्यूमेंट्स नेम। अंडरस्टैंड, योर होमवर्क इज कंप्लीट बुक एक्सरसाइज इन बुक एंड क्वेश्चन आंसर इन नोटबुक। नाउ इट्स टाइम टू लीव, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।